मम्मी रानी वो आ रही है होने वाला माउंट आबू की तरह जो है ना वापस जाने वाले हम आ गए पेट पूजा करने के लिए। मैंने मम्मी को वहां से उठा के अरे मम्मी ओए कैसे फैशन झाड़ रही है सेम के अंदर है मेरे जेठ को तो खाने की जरूरत नहीं है नहीं खाते ये तो लास्ट सामने बनाया फोटो कहां और ये सामने फोटो ओ हां सो सब खाना खा रहे हैं हम अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कोई कह रहा है चार से खाओ कोई कह रहा है वैसे खाओ कोई कह रहा है इससे खाओ ये बहुत मजा आता है। अब ये रोड यहाँ से ऐसे नीचे को जाती है वापस आए शायद हल्का सा है बट है अब क्या वापस हल्की हल्की सी आइयो क्या आज जाने आप ये रहे विंड क्या बोलते हैं विंड फैन करेक्शन करो राइट ओपन माय सनरूफ आई एम हियर फॉर रजत आया है नजारे लेने वाह क्या नजारा आगे को बैठ के नजारा लेने पसीना लेने आया बाहर तापमान है भाई तापमान बाहर तो बहुत तापमान है भाई भाई ओहो बाहर गरम गरम हवा जनरेटर कितना बड़ा जनरेटर होगा इसके अंदर जैसलमेर पहुंचने वाले हैं हम और ये एकदम ऐसा दुबई वाला फील आ रहा है कभी ले लद्दाख कभी दुबई आप यहाँ पे सब देख सकते हैं क्यों रजत ये दुबई का रूट है दोनों साइड में अपना डेजर्ट और बीच में काफी ज्यादातर देखा होगा और चश्मे लगाना हम अनिवार्य है वरना आपकी आंखों में ही धूप ही चुभेगी आगे मिलते हैं है ना गोडू बोलो आगे मिलोगे। फाइनली हम बस पहुंच ही गए आप लोग देख सकते हैं क्या मतलब एकदम मस्त व्यू आ रहा है एकदम मजा आ गया है ना भी रजत। अगर आप जैसलमेर आ रहे हैं तो आपको ना रास्ते में ऐसे कैंपिंग टाइप्स मिलेंगे बहुत सारी है रोड पर तो आप यहाँ पे रह के देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के रूम्स आपको अवेलेबल मिलेंगे और ये भी सब रेडी है रजत फोन नीचे आ जाए सारे हम नेक्स्ट मम्मी जा रही हैं मम्मी के बाद कौन जाएगा नानी जी जाएंगी फिर कौन जाएगा मैं और फिर ये दोनों कैसा लगा दीदी तो अभी ये नानी जी जा रही हैं ये चल रही नानी जी ऊंचाई गाइस देखिए ये और ये दिव्यांशी का नंबर आ चुका है गाइस दिव्यांशी का नंबर आ चुका है हम तो ये दिव्यांशी का नंबर आ गया और ये हो चुकी है दिव्यांशी सब जा रहे हैं भाईजान रजत भाई ये देखिए इनका लुक एक्साइटमेंट यार गॉयज मेरे को तो मजा आया ना तुम्हें कैसा लगा देखो ये जा चुकी हैं ये जा चुकी हैं मैं जा चुकी हूँ इतना मजा आया ना बहुत ज्यादा रथ का ही तैयार हो गया बस रथ की जीप आने वाली होगी सो मैं रथ की वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ गाइज रेडी है अब बस अब रथ हवा में ऊंचाइयों में उड़ने वाला है धुम धनाक धुन धन तक लौंडा एक्साइटेड है ये भग गया लांडे इसके रिव्यूज लेते हैं ऐसे कैसे लगा भाई मुझे तो मजा आ गया ऐसा लग रहा था हवाओं में उड़ रही हूँ मैं एकदम चिड़िया वाली वाइब्स कैसे लगा रजत जाता है इसका सारा हाथ छोड़ के कैसे लगा बता दीजिए चक्कर में
से मिलेंगे एटीवी वाले में। देख सकते हो आप सन और ये सनसेट होते हुए क्या मस्त लगेगा। बाकी यहाँ पे हमें इन्होंने ड्रॉप किया भी है ना, यहाँ से कैमल राइड होगी, हम सब कैमल राइड पे जाएंगे और यहाँ पे मैगी चाय वगैरह कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। भैया बता रहे हैं वो, सुन लो क्या क्या बता रहे हैं। आठ पॉइंट ये थे, अरे आधार वाला भी यही था, हजार वाले भी था, घुमा दिया बस। अच्छा मतलब आपने यही घुमाया है हमें, आठ में आए, हजार वाले भी नहीं होते, तीस में आए। यहाँ पे तो पैर ऐसे ऐसे जा रहे हैं ना मिट्टी में, चला भी नहीं जा रहा। यहाँ पे भी है सब, एक चीज और, जब आप यहाँ आए और आपको बोले कि गोल्ड सैंड पे लेके जाएंगे और एक्स्ट्रा चार्जेस बनाए तो बिल्कुल मत पढ़ना, ये चक्कर में कहना। ये ज्यादा बोल रहे हैं, चुप रहो, सब सही है, आ जाओ। नहीं यार तुम्हारा ब्लॉग देख रहे हैं लोगों को पहले पता होना चाहिए क्यों देखते हैं लोग ब्लॉग। अच्छा इससे सनसेट बसेगा, ये देखो ये कैमल अपने आप अकेले खेल रहा है, खुजा रहा है अपने, बस इसे मतलब नहीं है दुनियादारी से। राइट कितने प्यार लग रहे हैं दोनों, ये लात ना मार दे उठ के तुम्हें है बे। हाँ ये उठ के ऊपर इतना वजन लोड हो गया है, मना कर दिया इसने तो उठने को, कह रहा बहुत वजन है भाई। बेटा उठ जाऊ, ये नानी जी और रजत बैठ चुके हैं, बेचारे का सांस फूल गया इसका। दे मैं और मम्मी बैठेंगे अब, हमारा कैमरा ले लीजिए भैया, स्माइल करो यूट्यूब पे आओगे मेरे, जल्दी देखो दो एक बार, हाय तो कर दो, मेरे फैंस को नाराज हो जाएंगे। भैया तो भाई हाय नहीं कर रहे, आप लोगों को देख लो, वो जा चुके हैं उधर बेचारे, हमारे कैमिल का सांस भर आया। मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है भाई, हमारे एकदम सॉलिड सा है, सॉलिड सा। उधर हो रहा है सन सेट होने वाला है, बस नजारे हैं नजारे, देख लो। क्या बात हो गई भाई, क्यों नहीं बैठने दे रहे तुम्हें, मतलब ज्यादा भाव बढ़ गए तुम्हारे, चार लोगों ने फोटो ले लिया। हाँ चलो ऐसे सीधे उसमें मेरी फोटो शूटिंग, वो देख उधर सन कितना प्यार आ रहा है वीडियो में, क्या बनाओ अकेले। ये इनका बचना अब नामुमकिन है, ऐसे ढूंढे से ना मिलती, कितना ही कोशिश कर लेती है। जीजू सुन लो, अरे सुन तो लो, अरे ये कह रहे हैं शादी में ऐसा क्या खाया था तुमने जो ये उठा लिया, ये क्या खिलवाया था मुझे, क्या वजन उठा लिया यार, साले की वो करवा रहे हो तुम तो ही। चलो 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 वापस जा रहे हैं हम अपनी लोकेशन पे, वहाँ पे जाके कैरी ऑन करते हैं गाइस। बाय द वे नाइस व्यू, बजर की भाईजान वाला मोड़ रहे हैं, भाई भाईजान वाले मूवी में लोगों ऐसी होगी, वो बजर की भाईजान वाला मोड़ रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान का बताया था वो वाला है, जो सामने लाइटें दिख रही है आपको, हाँ वो जेठालाल वाला गाँव, जो जेठालाल पाकिस्तान चला गया। अच्छा 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 वो है वो जेठालाल के, यहाँ पर जो है नकली तारक मेहता का उल्टा जेठालाल को एक एपिसोड में चला गया था, देखो जेठालाल ने बता भाई, यहाँ पर जो है नकली बॉर्डर बनाया था बजरंगी भाईजान का, वीडियो के लिए बना था।